और जिसने आज एक बहुत बड़ा एडवेंचर किया है एडवेंचर मतलब साहस से भरा हुआ काम वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉकड टू स्कूल शी मैट अजिराफ एक दिन सुबह के समय जब हल्दी पैदल अपने स्कूल जा रही थी शी मेट जिराफ वो एक जिराफ से मिली जिराफ तो पता ही है आपको जिराफ इज अ एनिमल वो बहुत लंबा होता है उसकी लंबी गर्दन होता है जिसका स्किन येलो कलर का होता है और शरीर में ब्राउन कलर के डिजाइन होते हैं हल्दी ने जिस जिराफ को देखा था द जिराफ वोर बिग ग्लासेस उस जिराफ ने बड़ा सा चश्मा पहन के रखा था एंड हेल्ड अ बुक इन हिस्स हैंड और उसके हाथ में एक किताब थी ही स्माइल्ड एंड सेड जिराफ मुस्कुराया और उसने कहा गुड मॉर्निंग हल्दी हल्दी लुक्ड अप एट हिम हल्दी ने सिर ऊपर उठाया और उसकी तरफ देखा क्योंकि हल्दी छोटी बच्ची थी और जिराफ तो बहुत ऊपर था आई एम सॉरी टू स्टेर स्टेर का मतलब घूरना बहुत लंबे समय तक किसी एक चीज को देखते ही रहना उसे कहते हैं घूरना या फिर स्टेयर करना हल्दी बोली मुझे माफ करो मैं तुमको ऐसे घूर घूर के देख रही हूँ बट आई अ जिराफ लाइक यू लेकिन मैं कभी भी तुम जैसे जिराफ से नहीं मिली फिर जिराफ ने कहा माई नेम स्माइली मेरा नाम स्माइली है वेवर यू सी मी you will smile जब भी तुम मुझे देखोगी तो मुस्कुराओगी स्माइल करना मतलब मुस्कुराना हल्दी वाज सरप्राइज्ड हल्दी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई थी मतलब उसे बहुत ही आश्चर्य होने लगा कि एक बोलने वाला जिराफ बट शी वाज हैप्पी टू लेकिन उसे बहुत खुशी भी हुई देन शी रिमेंबर्ड लेकिन हल्दी को जल्दी ही याद आया दैट शी वु बी लेट फॉर स्कूल कि वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी कि उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी अगर वो खड़े होके बातें ही करती रही सो शी सेट टू द जराफ इसी लिए वो जिराफ से बोली आई वुड लव टू टॉक टू यू मुझे तुमसे बात करके बहुत खुशी होगी बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट लेकिन मुझे जल्दी ही स्कूल जाना होगा रश मतलब एकदम जल्दी से जल्दी जल्दी स्कूल जाना होगा नहीं तो और आई विल बी लेट नहीं तो मैं स्कूल में लेट हो जाऊंगी मतलब मुझे देर हो जाएगी द जिराफ सेट नॉट इफ यू राइड ऑन माई बैक तुम्हें देरी नहीं होगी अगर तुम मेरे बैक में यानी कि मेरे पीठ पे राइड करोगी अगर तुम मेरी पीठ पर सवारी करोगी तो तुम्हें देरी नहीं होगी इफ़ यू क्लाइम ऑन माई बैक अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ आई विल रन सो फास्ट मैं इतनी तेज़ दौड़ूँगा दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल कि तुम्हें ऐसा महसूस होगा फील मतलब महसूस होना तुम्हें ऐसा फील होगा दैट यू आर कि तुम Fly कर रही हो तुम उड़ के स्कूल जा रही हो डू यू गो टू स्कूल every day? फिर स्माइली जिराफ ने पूछा क्या तुम रोज स्कूल जाती हो यस सेड हल्दी हल्दी ने कहा हाँ मैं रोज स्कूल जाती हूँ आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज मैं सभी मंडे को स्कूल जाती हूँ ट्यूजडेज़ को स्कूल जाती हूँ वेडनेसडेज़ को स्कूल जाती हूँ थर्सडेज को स्कूल जाती हूँ और फ्राइडेज़ को भी स्कूल जाती हूँ बाकी कौन से दिन बचे सैटरडे और संडे। सैटरडे को मैं क्या करती हूँ हल्दी ने कहा कि सैटरडे को आई प्ले गेम्स एट स्कूल हमारे स्कूल में सैटरडे को पढ़ाई नहीं होती मज़ेदार गेम्स होते हैं और संडे को स्कूल की छुट्टी होती है तो यहाँ पे बच्चों सबसे ज़रूरी है आपको डेज ऑफ द वीक लर्न करना उसके बाद तुम स्कूल में क्या करती हो जिराफ ने पूछा हल्दी ने कहा आई लर्न अबाउट द स्टार्स लर्न का मतलब सीखना स्टार्स का मतलब है तारे मैं तारों के बारे में सीखती हूँ पढ़ती हूँ मैं पेड़ों के बारे में ट्रीज़ के बारे में पढ़ती हूँ मैं बर्ड्स के बारे में सीखती हूँ और एनिमल्स के बारे में भी सीखती हूँ दैट इज़ गुड सेट जिराफ स्माइली जिराफ ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है आई लव बुक्स टू और मुझे भी किताबें बहुत पसंद है दे आर लॉट्स ऑफ फ़न क्योंकि किताबें बहुत मज़ेदार होते हैं फ़न का मतलब मज़ेदार लॉट्स ऑफ़ फ़न बहुत मजेदार नाउ जम्प ऑन माई बैक फिर स्माइली जिराफ ने कहा अभी मेरे पीठ पर कूद जाओ आई विल जल्दी से तुमको स्कूल ले जाऊंगा हल्दी देन जम्प ऑन दिराफ बैक उसके बाद हल्दी जिराफ के पीठ पर कूद गई एंड फाउंड दैट और उसने देखा कि शी सी सो मैनी थिंगस फ्रॉम द टॉप कि उसे ऊपर से बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है हल्दी छोटी बच्ची थी लेकिन जैसे ही वो ऊपर कूद गई तब वो भी ऊपर हो गई क्योंकि जिराफ तो बहुत टॉल था उसकी पीठ भी बहुत ऊंचाई पर थी और हल्दी ने देखा कि ऊपर बैठ के उसे बहुत सारी दूर दूर की चीज़ें आराम से नजर आ रही है जब भी आप घर के छत पे जाते हो तो आपने देखा होगा ना ऊपर से हमें बहुत दूर दूर की चीजें नजर आती है एंड बिफोर शी न्यू और इसके पहले की वो कुछ जान पाती शी न्यू मतलब कि कुछ जान पाती शी हैड रीच्ड द स्कूल प्ले ग्राउंड वो स्कूल के प्ले ग्राउंड में यानी कि खेल के मैदान में पहुंच चुकी थी रीच्ड का मतलब पहुंच जाना शी क्लाइम डाउन वो जिराफ के पीठ से नीचे कूद गई वेन शी टर्न बैक टू थैंक द जिराफ जब हल्दी पीछे मुड़ी जिराफ को थैंक यू करने के लिए टर्न बैक मतलब पीछे मुड़ के देखना शी फाउंड हैड गॉन अवे उसने देखा कि स्माइली जिराफ जा चुका था ही मतलब जिराफ ही मतलब जा चुका था ओ oh, हल्दी थॉट हल्दी ने सोचा अरे वॉट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड मुझे तो एक अद्भुत साहस से भरा हुआ दिन मिला वंडरफुल मतलब बहुत अच्छा बहुत मज़ेदार एडवेंचर मतलब साहस से भरा हुआ एक एक्टिविटी एक काम वॉट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड मुझे आज के दिन में कितना मज़ेदार साहस से भरा हुआ काम करने को मिला चलिए इस लेसन में जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनके स्पेलिंग्स थोड़ा देख लेते हैं सबसे पहले जिराफ जी आई आर ए एफ एफ ई -E, जिराफ़ उसके बाद है सरप्राइज एस यू आर सर पी आर आई प्राई एस ई -E डी सरप्राइज मतलब हैपनिंग ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड थिंग अचानक से किसी चीज का होना जो हमें आश्चर्य कर देता हो नेक्स्ट इज एडवेंचर एडवेंचर मतलब साहस से भरा हुआ कोई काम एन अनयूजअल और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ए डी एड वी ई एन वेन टी यू आर ई चर एडवेंचर नेक्स्ट इज़ वन डर फुल डब्ल्यू ओ एन वन डी ई आर डर एफ यू एल फुल वंडरफुल मतलब बहुत अच्छा एक्सट्रीमली गुड एंड द नेक्स्ट इज प्ले ग्राउंड मतलब खेल का मैदान पी एल ए वाई प्ले जी आर ओ यू एन डी ग्राउंड प्ले ग्राउंड लेटस सी सम क्वेश्चन हल्दी कहा जा रही थी हल्दी वॉज गोइंग टू हर स्कूल नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिट हल्दी स्टेर एट द जिराफ हल्दी जिराफ की तरफ घूर के क्यू देख रही थी हल्दी स्टेर एट द जिराफ बिकॉज द जिराफ वोर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक क्वेश्चन थ्री हाउ डिट शी रीच स्कूल हल्दी स्कूल कैसे पहुंची शी रीचड स्कूल राइडिंग ऑन द जिराफ्स बैक वो जिराफ के पीठ पर बैठकर स्कूल पहुंची सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि एंसर्स हमेशा पास टेंस में होता है जैसे यहां पर पूछ रहे हैं वाई डिट हल्दी स्टेर एंसर में हम लिखेंगे हल्दी स्टेयर ई डी ed लगाने से वो टेंस हो जाता है उसके बाद वोर वोर भी वियर का टेंस होता है थर्ड क्वेश्चन में हाउ डिड शी रीच आंसर में हम लिखेंगे शी रीच्ड रीच्ड रीच का टेंस होता है नाउ लेट्स टॉक हाउ डू यू गो टू स्कूल आप स्कूल में कैसे जाते हैं मे बी यू गो इन स्कूल बस स्कूल वैन या फिर आपके पेरेंट्स आपको स्कूल ड्रॉप करते हैं वॉट डू यू वेयर टू स्कूल आप स्कूल में क्या पहनते हैं वी वेयर स्कूल यूनिफॉर्म वैन वी आर गोइंग टू स्कूल हैव यू एवर सीन एनी थिंग स्ट्रेंज ऑन योर वे टू स्कूल देन टॉक अबाउट इट आपने भी अगर अपने स्कूल जाने के रास्ते में कुछ अलग सा अजीब सा चीज देखा है जैसे कोई स्ट्रेंज फ्रॉग या फिर कोई स्ट्रेंज ट्री या फिर कोई स्ट्रेंज एनिमल तो उसके बारे में बताइए नाउ वी विल रीड सम राइमिंग वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन एक होते नहीं से अलाउड विथ मी पैडल पी ए डी डी एल ई पैडल पैडल का राइमिंग वर्ड है सैडल एंड क्रैडल पैडल का मतलब क्या होता है पैडल का मतलब चप्पू होता है जब भी कोई बोट चलाता है तो हाथ से जो चप्पू चलाया जाता है जिससे कि पानी को काट करके बोट आगे बढ़े उसे कहते हैं पैडल पैडल का राइमिंग वर्ड है सैडल सैडल मतलब घोड़े के ऊपर बैठने के लिए जो सीट लगाई जाती है वो है सैडल उसका एक और राइमिंग वर्ड है क्रैडल मतलब बच्चे का झूला नेक्स्ट इज डाउन मतलब नीचे क्लाउन मतलब जोकर साउंड मतलब आवाज राउंड मतलब गोल गोल डाउन क्लाउन साउंड राउंड ये चारो राइमिंग वर्ड्स है एंड द लास्ट इज स्कूल मतलब विद्यालय पूल मतलब पानी से भरी हुई एक जगह रूल मतलब कुछ नियम कूल cool, मतलब ठंडा ठंडा और टूल मतलब औजार स्कूल पूल रूल कूल टूल ये सब भी राइमिंग वर्ड्स है जो सुनने में एक जैसे लगते हैं राइमिंग वर्ड्स पहचाने का एक और तरीका ये है वर्ड का जो सबसे लास्ट वाला लेटर होता है वो सेम होता है जैसे यहाँ पे डी एल ई डी एल ई डी एल ई यहाँ पे डब्ल्यू एन डब्ल्यू एन डी डी और लास्ट है स्कूल पूल दीज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कविताओं में पोएम्स में बहुत होता है तभी तो कविताएं बहुत अच्छी लगती है सुनने में अगले चैप्टर में हम पैडल पूल पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स होंगे एंड दैट विल बी द चैप्टर थ्री पार्ट थ्री ऑफ दिस वीडियो चैप्टर वन यानी कि फर्स्ट डे एट स्कूल और चैप्टर थ्री यानी कि पैडल पूल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल मिंट टॉक इंडिया फॉर मोर अपकमिंग वीडियो